अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, ढेर सारा मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं तंदूरी कीमा, और इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कीमा, छोटा या बड़ा या चिकन का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम ऐड कर लेंगे तंदूरी मसाला, ये होममेड नहीं है, ये मैंने पैकेट मसाला यूज़ किया है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, अगर आप चाहें तो एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा सा उसमें टेस्ट रच जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, उसमें कर लेंगे ऑयल गरम। उसके बाद हम डालेंगे उसमें टोमेटो, चॉप टोमेटो डाल लीजिएगा, बड़े बड़े भी कर सकते हैं, बट वो मैश करने में बाद में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसको हम अच्छे से इसका पानी को ड्राई कर लेंगे, तमाम जो टोमेटो डाले, ये मीडियम साइज़ के 4 अदद थे मेरे पास, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और इसके पानी को ड्राई कर लिया यहाँ पे मैंने अच्छा से ड्राई कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मैश 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 मैश। जब वो डन हो जाएगा हमें लगेगा कि इसका पानी मुकम्मल खुश्क है और सिर्फ इसमें ये ड्राई टमाटो बच गए हैं, फिर हम इसमें अपने कीमे को ऐड कर देंगे। देन हम उसको अच्छे से भुनेंगे, और अगर आप लोगों के पास कवर वाला पैन है तो प्लीज़ वो यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि भुनाई करते करते मैंने तो इसको अच्छे से कुक कर लिया था, मे बी किसी के पैन में ना कुक हो तो प्लीज़ ये खुद ही इसका हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ हमारा कीमा ऐड हो गया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। स्पाइसेस में है चिली फ्लेक्स, क्यूमन सीड है, कोरिएंडर पाउडर भी है और साबुत भी है, और साथ में गरम मसाला है। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने नमक ऑलरेडी उस पैकेट मसाले के साथ यूज़ कर चुकी हूँ। उसी पैकेट मसाले में आपको पता होगा जो लोग यूज़ करते हैं कि पैकेट मसाले में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो प्लीज़ टेस्ट के मुताबिक अपना कीमे के जो भी हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देन इसको अच्छे से भून के जब अच्छे से आपको लगे कि डन हो गया, फिर उसके फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद ये देखेंगे सारा ये पानी इसके ऊपर आ गया। देन जी बन के तैयार हो गया हमारा तंदूरी कीमा, उसमें हम बटर डाल लेंगे, ऑप्शनल है ना बटर, बटर नाइफ भी डालेंगे तो चलेगा, बट बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए कह रही हूँ ऑप्शनल, समटाइम घर में नहीं होता, सो डोंट वरी, आराम से पकाएं इसको और उसके बाद मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, टाटा।